जय सियाराम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के लिए प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। ये आपका वो हो गया, ये आपका डब्बा बन गया। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लाइफ टाइम, ये फ्रिक्वेंसी। अब बहुलक फिर समझिए, बहुलक सीधी सीधी बात है कि आप बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या को देख लो। बहुल मतलब बहुलक निकालने के लिए बारंबारता वाली लाइन में सबसे बड़ी संख्या को आपको देख लेना है, उसी से आपका सब काम बन जाएगा। इतना तो पहचान लोगे कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या अपन ये हो गई, तो जब ये हो गई इसी को F1 मान लेना है। एक के पीछे जीरो ही आएगा और एक के आगे दो ही आएगा, ये फिक्स हो गया। अगर ये फिक्स हो गया तो हमको जो मॉडल क्लास मतलब वर्ग वर्ग अंतराल वाला जो कॉलम है वो फिक्स हो जाएगा कि किसका है ये 61, 60 और 80 का। तो 60 और 80 से हम लोअर लिमिट निकाल लेंगे, L निकाल सकते हैं। और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, वर्ग माप क्लास साइज, वो आपको पता हो जाएगी। तो 20 का डिफरेंस है, तो क्लास साइज अपना S जो है उसकी मतलब S को हाइट नहीं मानना है, यहाँ मतलब वर्ग माप है, क्लास साइज है 20 है ना। तो समझ गए ना। तो सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए मेरी बात को आप कन्फर्म याद रखना कि बारंबारता वाली सबसे बड़ी संख्या को आपको चूज करना है, बस उसी से काम हो जाएगा। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो जेड बराबर, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले देखे ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस वही फ्रिक्वेंसी लाइफ टाइम है ना। अब तो जेड बराबर आपका यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो फिर अपान टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू पूरे का ब्रैकेट ऐसा इंटू एच, ठीक। अब बात समझ में आई क्या, न आई हो तो यहाँ लिख लेते हैं समझ में, समझने के लिए कि यहाँ L बराबर आपका है 60, H बराबर आपका है 20, F0 यहाँ लिखा है, F1 F2 है ना। तो लोअर लिमिट अपनी 60 है, निम्न सीमा मतलब कम सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों है ना वर्ग अंतराल से ले लेना है। अब यहाँ तो Z बराबर L का मान कितना है 60 प्लस F1 का मान 61, F0 का मान 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस F0 52 F2 38 इंटू 20, यह अपना कितना है 20। यह समझ में आया ना कि कैसे निकालना है, जो दोनों वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं जितने का डिफरेंस हो निम्न सीमा से उच्च सीमा में उतना ही आपका यश है। तो यहाँ से निम्न सीमा से उच्च सीमा में जो अंतर है वो 20 है, मतलब सबसे बड़ी बारंबारता अपनी 61 है, तो 61 के सामने वाला इसी से हमको काम करना है, यल लेना है, एफ जीरो एफ टू वैसे भी आप दिमाग लगा लोगे इतना। तो जेड बराबर आपका हो गया 60 प्लस 61 में मतलब 52 बटे दो छक्का 12 122 और 8 दो 10 5 3 8 एक 9 गुणे 20। तो जेड बराबर 60 प्लस 9 बटे 32 गुणे 20, ठीक। दो से काट देते हैं, दो दा हम है ना 20, 16 दूनी 32, फिर दो से काटो, दो पंचे 10, दो अट्ठे 16। तो आगे देखो आप, तो ये आपका कट गया। अब 60 प्लस 9 पना 45 हुआ, 45 बटे 8, 8 से काटते हैं इसको, तो 8 पंचे 40, 5 बचा 50 हुआ, 8 छंग 48, 2 बचा 20 हुआ, 8 दूनी 16, फिर 8 पंचे 40। तो जेड बराबर आपका हो जाएगा 60 प्लस 5.625, मतलब जेड बराबर जोड़ देंगे तो 65.625
6-2-5 घंटे इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे आवर, यही आपका आंसर है। ठीक, आई बात समझ में? तो इस तरह आपको लगा लेना है। तो कुल मिलाकर मेरी बात फिर समझ लो कि बहुलक निकालने के लिए मात्र आप बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या को देखना, जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को F1 मानना है, 1 के पीछे 0 आता है, 1 के आगे 2 आता है। ठीक, उसी से आप बहुलक वर्ग मतलब मॉडल क्लास जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो चूज करना है, उसमें से यह लेना है निम्न सीमा लोअर लिमिट, जो दोनों के बीच में अंतर हो उसी को एच बोलते हैं, और बहुलक वर्ग का सूत्र आप याद कर लेना, बाकी सब सही है। ठीक, तो इसी आशा के साथ तो आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आएगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।